नमस्ते दोस्तों, सुमिता किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए काले चना और पाव की रेसिपी लेके आई दोस्तों। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनती है। देखिए कितनी बढ़िया बनी है, बिल्कुल ठेले वाले ऐसे ही देते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी है, बनाना बहुत ही आसान है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करें। अब चलिए इस रेसिपी को हम कैसे बनाए हैं देखते हैं। सबसे पहले कढ़ाई ले लिया, गैस पे रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है। एक टुकड़ा बटर डाल देंगे, बटर को पिघलने देंगे। बटर हमारी पिघल गई है। दो बारीक कटी हुई प्याज है वो डाल देंगे। 2 मिनट के लिए प्याज को भून लेंगे। 2 मिनट हो गई है, प्याज भी हमारी भून गई है। एक शिमला मिर्च कटी हुई है वो डाल देंगे। 2 टमाटर काट के लिया है वो भी डाल देंगे। थोड़ी सी अदरक ग्रेट करके लिया है वो भी डाल देंगे। 2 मिनट के लिए इसको भी भून लेंगे। 2 मिनट हो गई है, सब्जी हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब मसाले मिलाएंगे, गैस पर लो कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया है, 2 बॉयल आलू ले लिया है मैश करके वो डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से मैशर ले लेंगे, इस तरह से मैश करेंगे अच्छी तरह से। देखिए मैश कर लिया है और बॉयल काले चना ले लिया है। इस तरह से दबा दबा के मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। देखिए मैश कर लिया है। अब पानी मिलाएंगे 1 कटोरी और गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मिक्स कर लेंगे। देखिए मिक्स कर लिया है। 2 चम्मच पाव भाजी मसाला मिलाएंगे, इसके बिना इस सब्जी तो अधूरा है। इस मसाले को तो ज़रूर डालना है, तभी अभी हमारी सब्जी में टेस्ट आएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है और झटपट बन जाती है। देखा कितना जल्दी हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है। जब आपका पाव भाजी खाने का मन करता है तो मेरी तरीक़ा से इस पाव भाजी को एक बार ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। ये बहुत झटपट बन जाती है। और हरा धनिया डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब गैस को ऑफ करके साइड में रख देंगे। देखिए इस तरह से पाव ले लिया है। अब बीच में से कट लगा लेंगे, पूरा अलग नहीं करना है। अब गैस पे चलते हैं। गैस पे पैन रख दिया है और बटर डाल दिया है। बटर को पिघलने देंगे। बटर हमारी पिघल गई है। इस तरह से ब्रेड को रख देंगे, इस तरह से दबा दबा के अलट पलट के सेक लेंगे। सेक लिया है, अब निकाल लेंगे। देखिए हमने रेडी कर लिया है। ठेले वाले बिल्कुल इसी तरह से लगा के देते हैं। इसे दोना लेंगे। देखिए दोस्तों ठेले वाली पाव हमारी बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कर दोस्तों। फिर मुझे कमेंट करके बताएं आपकी रेसिपी कैसी लगी है। दोस्तों अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, साथ ही मेरे लाइक को दबा देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।